थोड़ा सा मैंने लाइट के जो कलर को जो है थोड़ा सा चेंज करा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBALLBGYAN। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया ही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा टैक्स लॉ। तो टैक्स लॉ के अंदर जो भी आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने पीछे जो है हमने पाँच पंजा जो है पढ़ लिया था इनकम का, मतलब टैक्स इसके ऊपर लगता है। अब ये पांचवा लास्टवा जो है हमारा पार्ट रहेगा जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहते हैं जी ऊपर कहीं पर भी अगर तुम्हारी इनकम नहीं होती है, ना ही वो बिजनेस प्रोफेशन में होती है, ना हाउस प्रॉपर्टी कुछ किसी में भी नहीं होती है, तो तुम्हारे को अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट तुम पर टैक्स नहीं छोड़ेगी। इस हेड के अंदर तुम्हारे ऊपर लग जाएगा टैक्स, जो कि है सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैसे इसके ऊपर टैक्स लगता है, क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फटाफट से देख लेते हैं। सो इनकम इट डज नॉट फॉल अंडर द फोर हेड्स ऑफ द इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमने डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन 56 का टू कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूड्स कोई भी डिविडेंट, कोई भी एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी कार्ड गेम्स अदर गेम्स एक्सेट्रा, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट फर्नीचर किस तरीके से भी, चाहे तुमने रेंट पे ही क्यों ना दिया, एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सम इफ एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट एक्सीड 50,000, कोई गिफ्ट आया लेकिन 50,000 से ज़्यादा उसके अमाउंट एक्सीड हो चुका है, टैक्स लगेगा भैया। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन ओनली 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। तो ये कुछ हमारे और बहुत ही लंबी लिस्ट दी हुई है, देख सकते हो, लेकिन ये मैंने कुछ मोटे मोटे ऊपर ऊपर के जो है पॉइंट्स अब लिख दिए हैं। तो कोई भी डिविडेंड हो सकता है, कोई भी लॉटरी शॉटरी में तुम्हारा पैसा निकल गया, कोई भी जो है इंटरेस्ट आ गया, कुछ भी तुमने मशीनरी प्लांट को जो है तुमने रेंट पे दे दिया उससे तो इनकम आ रही है तुम्हारी, वो चीज़ हो गई, बेचा नहीं रेंट पे दिया, कोई भी तुमको गिफ्ट मिला जिसका 50,000 से ऊपर अमाउंट निकल गया हो, या कोई भी ऐसा एनहेंस कंपनसेशन आई जिसका कंपनसेशन के केस में 50% के ऊपर ही टैक्स लगेगा, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन में, या फिर कोई भी एनी एडवांसेस। अब ये तो हो गए हमारे मोटे मोटे तौर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं जनरल इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जनरल इनकम क्या हो सकती है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ठीक है जी, रेंट पे रेंट दे दिया, इनकम फ्रॉम लॉयल्टी, कोई भी तुम्हारे राइट था किसी के ऊपर उसको करा उसके ऊपर तुम्हें पैसा मिला लॉयल्टी का, डायरेक्टर फी, कोई भी डायरेक्टर की फी है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर वाली लैंड में तो टैक्स फ्री है एग्रीकल्चर, लेकिन बाहर है उस पर होगा, या फिर एग्रीकल्चर इनसाइड एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एनी जो भी एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड प्लेस आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है जी, ये तो दो बार क्यों लिखा मैंने, फिर सेम ही है, रेंट ऑफ प्लॉटेड प्लॉट ऑफ लैंड, कोई भी प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर तुम रेंट खा रहे हो, ठीक है, कैजुअल इनकम कोई भी आ गई, या फिर इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, कोई भी ऐसा अनडिस्क्लोज्ड सोर्स है जो गवर्नमेंट को नहीं पता लेकिन पैसा तुम पे जो है आ रहा है, या कंपनसेशन रिसीव फॉर यूज़ ऑफ बिजनेस एसेट्स, कोई बिजनेस एसेट्स के ऊपर तुम्हें कंपनसेशन जो है मिली है वो चीज़ हो जाएगी। इनकम फ्रॉम डिस्क्लोज्ड सोर्सेज कौन कौन से हो सकती है भैया, ठीक है जी, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, कोई भी जो है तुम्हें नहीं पता लेकिन क्रैश आ गया कहीं से जो अनएक्सप्लेन्ड है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया या कोई भी मनी आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए जनरल। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंट, डिविडेंट जो आता है शेयर होल्डर्स को उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। पहले जिनको नहीं पता मैं छोटा सा डिविडेंट समझा दूँ क्या होता है, कुछ नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी का जो है, पहली बात तो डिविडेंट का ये मतलब समझ लो कि डिविडेंट जो है कंपनी अपने प्रॉफिट में से तुम्हें कुछ हिस्सा दे देती है कि हम भी खुश हैं तुम भी खुश रहो क्योंकि हम पे ज़्यादा पैसा आ गया। अब तुम लोग कहोगे कंपनी पागल है क्या कि तुम वो शेयर होल्डिंग में तुम्हारी कैपिटल भी बढ़ा रही है और डिविडेंट भी दे रही है। देखो जनरली ऐसा नहीं होता, अगर आप देखोगे तो डिविडेंड जो है हमेशा उसी कंपनी का ज़्यादा होगा जिसमें जिसका काम जो है वो ऐसा है जो बहुत ही फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके पास, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं बड़े, मतलब कि जैसे कोल का खाने खोद दी मशीन ने खरीद ली खोद खाद कोल निकाल के बेचना है तुमने, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं, तो उनके पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसका वो इतने का कहते चल गया कोई नहीं शेयर होल्डर से बांटे वो भी खुश रहेंगे और पैसा लगाएंगे हमें फिर बढ़िया, तो वो हो गए तो डिविडेंड की ऐसा अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है दे देते हैं शेयर होल्डर्स को तुम भी खुश रहो। तो अब ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड होता क्या है, ट्रीटमेंट इफ डिविडेंड इनकम एक्सीड 10 लाख, अगर डिविडेंड की इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाती है तो 20.358 जो है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो देना पड़ता है कंपनी के द्वारा, ठीक है जी। और ट्रीटमेंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा तो उसके अंदर अगर उसके ऊपर फ्लैट लगता है 30% का टैक्स, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब कौन कौन से ऐसे इंटरेस्ट है जो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, सेक्शन 10 का 15 कह रहा है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड हो गए,
ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हो गए, नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड बूंड होते हैं उसके ऊपर जो है टैक्स वगैरह नहीं लगता। डिडक्शन की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इन द केस ऑफ फैमिली पेंशन, मतलब कि डेथ हो गई तो उस केस में अगर फैमिली पेंशन मिल रही है तो 1/3 ऑफ द इनकम या फिर 15,000 विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा तो 15,000 टैक्स देना पड़ेगा या 1/3 ऑफ द इनकम जो है तुम्हें एज अ टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है हमारी हो गई है, ठीक है जी। तो ये 5 मिनट में चल इसको बंद कर देता हूँ, अगली वीडियो को कंटिन्यू अलग रखते हैं क्योंकि वो अलग टॉपिक है, एक साथ डालूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जी यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर देखें, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। कमेंट सेक्शन यूट्यूब आप लोगों के लिए दिए, कोई क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट कमेंट करिए वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन खोल के भैया देख लिया करो, वहाँ पर मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट वगैरह का भी लिंक जो है रहते हैं, इंस्टाग्राम का भी है, कॉल बिफोर ऐप का भी है। सब्सक्राइब बटन आप लोगों के लिए दिया भैया यूट्यूब ने, आप लोग ही करोगे, हमें तो दिखता नहीं सब्सक्राइब बटन क्योंकि हम तो चैनल ओनर है, तो सब्सक्राइब कर लो नहीं करा हुआ, क्योंकि भैया बहुत ही मॉडर्न चीज़ों को तुम कर दोगे मिस, मैं सही में कह रहा हूँ, बहुत ही मॉडर्न चीज़ों को तुम सही में मिस कर दोगे, मजाक नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करता है एक बेल आइकन होगा, सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन खुलेगा, ठीक है जी। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीएलएगन पोजीशन साइनिंग आउट, बाय बाय। वीडियो कंटिन्यूशन में चल रही है, बस इसको डालूंगा अलग। चलो जी बाय, कोरोना से बच के।